Assalamu alaikum, students. Welcome to Virtual University's class on production and operations management. My name is Marif Sohail, and today's topic is reliability. In our previous lectures, we talked about the important concept of product and service design, and we came to the conclusion that a good product as well as an effective service would not be complete if it is reliable. We talked about the reasons why a product or a service

इस चीज को देखेंगे कि फेलियर को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फेलियर की जिद यानी रिलायबिलिटी को हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विस में इनकोपरेट करते हैं तो अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कोई बात की थी रिलायबिलिटी की रिलायबिलिटी को हमने डिफाइन किया था दबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू मीट और परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी एक ऐसी ऑटोमोबाइल की जो अगर पाकिस्तानी एन्वायरमेंट को सामने डिजाइन किया जाए तो इट शुड बी एबल टू तो प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू तो ऑल इट्स कस्टमर्स कस्टमर ऑफ़ द लोकेशन लाहौर में हो इस्लामाबाद में हो आपटाबाद में हो कराची में हो आपकी जो तो गाड़ी है इट शुड बी एबल टू तो परफॉर्म अकॉर्डिंग टू तो द नॉर्मल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इसके बरक्स We talked about the situation in which a product or a service does not fulfill its intended purpose. Yani, you designed an automobile, it functions perfectly fine in cities like Lahore, Yakarachi, the northern side performance effect, and engine its performance Then we talked about the associated concept of normal operating conditions. Normal operating conditions may conditions. Design parameter kap incorporate If the situation is that the automobile is unable to meet the specified performance requirements and the normal operating conditions, then it would be declared as a failure. But your job as an operations manager would be. कि आप डिजाइन साइट को बताएं कि आप किस तरह से अपने डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हो सकता है अगर हम बात ऑटोमोबाइल ही की लें दैट द इंजन परफॉर्मेंस हैज समथिंग टू डू विद द वे योर वेव सिस्टम हैज बीन डिजाइन क्या हो सकता है कोई और ही डिसिपेशन मैकेजम को आप इंप्रूव करके वाटर जैकेटिंग के जरिए या फॉर दैट मैटर इंजन की कूलिंग को आप ज्यादा बेहतर तरीके से इंटर कूलिंग के जरिए या मोर इम्पॉर्टेंटली अपने डिजाइन को इम्प्रूव करके आप उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएं वेन यू आर इम्प्रूविंग द यूटिलिटी और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑटोमोबील यू आर एनहानसिंग इट्स रिलायबिलिटी और हमारी आज की डिस्कशन इसी डायमेंशन को कवर करेगी वील ट्राई टू अंडरस्टैंड के रिलायबिलिटी क्या है रिलायबिलिटी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि रिलायबिलिटी इंजीनियर्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपने कंपेटर्स के ऊपर कंपेटेटिव एडवांटेज हासिल करने की जरूरत बन जाती है वील ऑल्सो ट्राई टू क्वान्टिफाई रिलायबिलिटी अब चाहे आप उसको प्रॉबिलिटी के जरिए क्वांटिफाई करें या आप टाइम फैक्टर के जरिए आइडेंटिफाई करें कि जी आपकी प्रोडक्ट कितनी देर तक विदाउट फेलियर अपनी परफॉर्मेंस या स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस दे सकती है उसके बाद वील प्रॉब्लली वील टेक अप वन और टू एग्जांपल्स उन एग्जांपल्स के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट जो हमने अपने पिछले लेक्चर में इनिशिएट किया था उसे कंक्लूड कर दिया That important concept was concurrent engineering detailed my concurrent engineering so that we are able to identify the resourcefulness of this concept with the important topic of reliability we will also try to formulate the operation strategy with respect to product and service design and most importantly we'll try to incorporate the concept of reliability in it तो आज हमारी जो डिस्कशन है उसका आगाज फॉर्मली रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट से होगा हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर्स में पिछले लेक्चर्स में ये डिसाइड किया था कि रिलायबिलिटी इज अशोरेंस के एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मौजूद रहेगी बट दे इज अंस्ट्रेंट एंड दैट कॉन्स्ट्रेंट इज द लिमिटेड लाइफ ऑफ दोडक्ट और सर्विस जी आई एम मेकिंग जब बात प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आगे बढ़ी तो हमने देखा कि रिलायबिलिटी है क्या हमने कहा कि जी रिलायबिलिटी इज दश्योरेंस विच अ मैन्युफेक्चर और सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स टू द कस्टमर कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस ये इंटेंडेड पर्पस फुलफिल करेगी सो हाउ कैन यू इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट सम्बडी कैन से जी आप अपने डिजाइन को इंप्रूव कर लीजिए कोई कहते हैं प्रोडक्ट को डिलिवरी से पहले इंस्पेक्ट कर लीजिए कोई हिसाब कहते हैं कि प्रोडक्ट को डिलीवरी से पहले आप टेस्ट कर ले सो इन रियलिटी वी हैव नंबर ऑफ अवेलेबल टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन इंप्रूव आवर रिलायबिलिटी नाउ रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट इज अ सेपरेट फील्ड इटसेल्फ। और आप शायद ये जानकर आप हैरान होंगे कि ऑपरेशंस मैनेजर का मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है वो रिलायबिलिटी को इन्शोर करना है कॉम्पोन so, तो, डिजाइन आप अगर आपके पास एक ऑटोमोबील का एग्जाम्पल दोबारा ले रहा हूँ या फॉर दैट मैटर अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें इफ यू हैव बिजनेस वेयर यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट और उसमें सब असेंबली अवेलेबल हो या सब असेंबली का इस्तेमाल किया जाता हो तो आप कंपोनेंट को ऐसे डिजाइन कीजिए कि वो रिलायबल परफॉर्मेंस दे जब आप कंपोनेंट की रिलायबिलिटी इंश्योर करेंगे तो यू आर इन अ वे इंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और देख सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलायबिलिटी ओवर है द बेस लेवल वुड बी द कंपोनेंट लेवल The middle level would be the product level, and the third level would be the system level. Number two, you should improve product or assembly techniques, and with the help of this, you can improve the reliability of the product. Number three, you need to incorporate the technique of testing before you deliver the product to your customer. For that matter, you, you can incorporate the same technique in your services side.

प्रैक्टिस हो चुकी है तो उसको आपने ऑफ्सोलीट का नाम दे दिया रिडंडेंट का मतलब ये है दैट इट इज अवेलेबल एन एडिशनल रिसोर्स। अगर आपने वाटर सिस्टम डिजाइन करना है और आप चाहते हैं कि आप एक टैंक को पानी से भर दें और टैंक की कैपेसिटी फर्ज कर लीजिए ंड्रेड गैलेंस है और आप जो पंप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी टू हैंडल द लिक्विड इज अबाउट ट्वेंटी गैलेंस पर आवर तो हो सकता है आप पांच घंटे के बाद उस टैंक को फिल कर दे लेकिन इस दौरान अगर आपका टैंक फिलिंग के दौरान ये पंप आपका जो है वो काम करना छोड़ दे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर ऑब्जेक्टिव फिलिंग ऑफ द टैंक वन बी कंप्लीट

step or uh, technique by which you can improve your reliability would be to carry out preventive maintenance of your equipment of your components of your products or even your services. Services map kya preventive maintenance kaisektan? lijiye banking site pe hain you're offering your banking facility as well as services through internet technology and e-commerce to your end customer or end consumer और आप अपने डेटाबेस को एक लम्हे के लिए भी डाउन होने को गवारा नहीं कर सकते बिकॉज फॉर इंस्टेंस इफ आई एम द कस्टमर ऑफ द बैंक एंड आई एम मेकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन और पता ये चलता है कि बैंक का डेटाबेस अपने इंटेंडेड फंक्शन पूरा नहीं कर रहा या एप्लीकेशन सर्वर अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल नहीं प्रोवाइड कर रहा Then there is a possibility that I am losing some important time. Your serviceability as a bank, be under bad image. A your performance would also be termed as a failure. And all the things you avoid can if you test your servers properly. Se, preventive maintenance ke procedures ke zirheh, test. Kar Instead, you ऐसी डेफिशंसी को फेस करें ये प्रॉब्लम्स आईटी टी बेस्ड कंपनी को बहुत ज्यादा आती हैं। अच्छा नंबर सिक्स वुड बी दैट यू कैन एजुकेट द यूजर। वो किस तरह से कर सकते हैं आपने अभी बैंकिंग की एग्जांपल देखी आप देखेंगे कि कई बैंकिंग वेबसाइट्स ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रहे हैं वट आई ट्राइंग टू से वो ही बैंकिंग वेबसाइट्स जिनका एक्चुअल मकसद है कि वो बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड करें वो साथ में अपने एंड यूजर को एजुकेट कर रही हैं कि ये ये फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इन ऑनलाइन फैसिलिटीज को आप इस्तेमाल करके ये ये एडवांटेजेस हासिल कर सकते सब so आपने देखा कि यू आर इंप्रूविंग रिलायबिलिटी बाय एजुकेटिंग योर यूजर या फॉर देट मैटर लाइक आप अगर यूजर एजुकेशन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इकट्ठा देखना चाहते हैं तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल फ्रॉम द सेम बैंकिंग साइड वेबसाइट आप अपनी बैंकिंग वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर दीजिए द नंबर ऑफ आवर्स योर सर्विस वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर डे ड्यू टू एनी special reason app to notify so user go educate and at the same time you are performing preventive maintenance and finally the most important way in which you can improve the reliability of your product or service would be that you treat your product or service as a system system a collection of uh, different objects or

फर्दर रिफाइन योर सिस्टम डिजाइन की ये हमारे कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स को अगर आप एक पार्ट ऑफ द सिस्टम बना दें और एक सेट ऑफ कंपोनेट्स को आप पार्ट बी बना दें देन यू हैव टू वरी अबाउट ओनली टू पार्ट तो आप रिलायबिलिटी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं ये साथ के साथ कंडीशन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके सामने आते रहेंगे लेकिन जरूरी बात ये है दैट यू शुड बी एबल टू अप्रीशियट के एज एन ऑपरेशंस मैनेजर मेरा रोल किस चीज के लिए स्पेसिफाई करता है तो अब तक हमारी जो डिस्कशन हुई है वी हैव के रिलायबिलिटी क्या है उसकी अपोजिट फेलियर क्या है वी हैव आल्सो डिस्कवर्ड के रिलायबिलिटी हैज काइंड ऑफ बाउंड्री लाइन अटैच टू इट एंड दैट बाउंड्री लाइन इज प्रग कंडीशन तो हम लोग शुरू में ये बात कर रहे थे कि रिलायबिलिटी को आप क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं देर आर टू वे क्वांटिफाई रेलाइबिलिटी अगर आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जहन में रखें जो आपने अपनी स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलस की क्लास में यकीनन देखा होगा तो एक तरीका तो वो हो गया दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज की थी कि टाइम फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स या सर्विस को हम लाइफ के जरिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं अब हम लोगों को माइन्यूटली रिलायबिलिटी को क्वांटिफाई करना है तो पहले हम प्रोबेबिलिटी के एस्पेक्ट से देख लेते हैं अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी आप आई गॉट अ पंप विच इज एबल टू वर्क फाइव आवर्स एंड इट कैन पंप हंड्रेड गैलन ऑफ वाटर इन टू टैंक और एज अर वी परसेंट ऑफ द टाइम तो मैंने आपको एक बाउंड्री लाइन या बाउंड्री कंडीशन के साथ एक मैसेज पहुंचा दिया वो मैसेज ये है दैट द पंप इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एटी परसेंट ऑफ द टाइम तो इसके साथ में आपको ये भी मैसेज दे रहा हूं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द पंप टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन फॉर हंड्रेड परसेंट ऑफ द टाइम So, उस बेसिस के ऊपर वेनएवर यू आर हैविंग अ कंपोनेंट और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट हैज रिलायबिलिटी ऑफ इन आर के एटी परसेंट यू वुड क्वांटिफाईट लाइक दिस की हमारे पम्प की एबिलिटी टू परफॉर्म इंक्शन इज एटी परसेंट या नाइंटी परसेंट एंड दैट एटी परसेंट ऑफ द टाइम इट वुड

To the component level, or you can bring it up to the system level. Here as an operations manager decision Apne design department incorporate. And this is one of the reasons why operations managers are often asked to look into the issues of reliability, whether it's a product or a service, more as compared to other functional areas. तो बात हो रही थी प्रोबिलिटी की हमने कहा कि जी आप प्रोबिलिटी को इस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं पम 80% ऑफ द टाइम इट्स गोइंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन बट 20% ऑफ द टाइम इट मे नॉट परफॉर्म द फंक्शन उसके अटैच कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं विच आर अनफॉर्चुनेटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास बट दोन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड

विच इज प्रेर टू लाइटर ट्यूब लाइटर अ बल्ब मैंने जाके उस स्विच को ऑन किया तो फंक्शन कंप्लीट हुआ एक्टिवेशन हुई बल्ब ने रोशनी देनी शुरू कर दी ठीक है मेरी ये रोज एक आदत बन चुकी है मगरब के वक्त मैं बाहर निकला घर के बाहर जाके गेट का मैंने बल्ब रोशन कर दिया वन फाइंड डे वेन आई ट्राई डूइंग दिस

फलानी तारीख को लेट से टू हंड्रेड आवर्स पहले यह बल्ब रिप्लेस किया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग एस पर माई इलेक्ट्रिक शॉप वेंडर कि जी ये पांच सौ घंटे तक चलता रहेगा इसको तीन सौ घंटे और चलना चाहिए उस बल्ब की परफॉर्मेंस पूरी ना हो सके सो दिस वुड बी दार्ट ऑफ द्वटिफिकेशन ऑफ यबिलिटी

वो मौजूद नहीं है अब आपके सामने इस एग्जाम्पल को हम मजीद डिटेल में भी देख सकते हैं और इन दो कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा मजीद गौर से समझने की कोशिश करनी है आपको अभी तक कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यू ऑलरेडी नो दैट कंपोनेंट और द प्रोडक्ट

अगर वो ये नहीं दे रहा तो देर इज ए प्रॉबेबिलिटी कि हमारे रिलायबिलिटी का फैक्टर कहीं मिस हो रहा है अच्छा दूसरी बात आपको रिडनडेंट रिसोर्स की भी बताएगी रिडन रिसोर्स क्या है कि वी आर ट्राइंग टू तो मेक यूज ऑफ एन एडिशनल रिसोर्स एज ए बैकअप सपोर्ट आमतौर पर यह कहा जाता है कि जनाब बैकअप सपोर्ट में रिसोर्सेस का ज्या होता है या रिसोर्सिस को जया कर देते हैं या यू ओवर केल द रिसोर्सेस But the fact of the matter is that there are certain critical operations where your product or your service should have a backup support. So, this concept redundant uh, product or redundant service, you added advantage. Leke and that added advantage is that in case of the failure of your primary service provider or your primary product, uh, product your secondary product. बैकअप सपोर्ट उसी पंप के एग्जाम्पल को दोबारा देखिये अगर पम्प ए फेल हो जाता है और आपके पास पंप बी अवेलेबल है तो यू कैन मेक यूज ऑफ पंप बी टू मेक श्योर दैट दर्पज ऑफ फिलिंग अप दाटर टैंक इज कैरिड आउट सो एज ए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट के सिस्टम की रिलायबिलिटी एनहांस कर सकते हैं

अगर प्रॉबिलिटी तमाम के तमाम इवेंट्स की कलेक्टिवली हो कि वो अपने इंटेंडेड फंक्शन को पूरा करेंगे वही एग्जांपल पंप्स की पंप्स ए और बी अगर पंप ए फेल हो तो पंप बी को अपना काम पूरा करना चाहिए इसी तरह से लेट्स से इफ वी आर इन अ रूम वेयर वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब तो वो अब तक अपना इंटेंडेड पर्पस इस तरह से फुलफिल करेंगे कि एक बल्ब ने जितनी रोशनी देनी है उसके साथ दूसरे बल्ब ने जो रोशनी देनी है उसको आप मिला दें अगर आप ये कहते हैं कि ड्यू टू सम मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट जिस होल्डर के जरिए आप बल्ब वन को अटैच कर रहे हैं और किसी खास मैकेजम के थ्रू आप उनकी प्रोजेक्टेड लाइफ साइकिल देख चुके हैं कि एक बल्ब आर्स दे रहा है और एक बल्ब सिर्फ 80 आर्स दे रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम में जहां पे हमें दोनों बल्ब की रिक्वायरमेंट है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम वर्किंग अप टू इट्स फुल कैपेसिटी या आप ये कह सकते हैं कि आप सक्सेस अचीव करेंगे वुड बी सेवेंटी टू परसेंट किस तरह से इफ द लैम्प और बल्ब वन इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन Correctly up to 90 percent of the time, and bulb number two is able to perform its objectivity or functionality up to 80 percent of the time. Then, our requirement is that bulb one or bulb two, in tandem yeah parallel, may up apni functionality So there would be 72 percent of the time the success of the system available to you. So. योर रूल वन वुड बी स्टेटेड एज रिलायिलिटी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट वन टाइम्स द रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट टू चाहे आप उसमें वाटर सिस्टम की बात कर लें चाहे आप इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात कर लें आपके सामने बल्ब और आपके सामने पंप्स की एग्जाम्पल दी जा चुकी है रूल नंबर टू को भी आप देखिए आपके स्क्रीन के सामने इफ द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड सक्सेस इज डिफाइंड एज द प्रोबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल अकर प्रबिबिलिटी ऑफ आदर वन प्लस वन माइनस दैट प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द अदर प्रॉबिलिटी ये इतना कॉम्प्लीकेटेड नहीं है जितनी यह स्टेटमेंट लग रही है आप उसी एग्जाम्पल को मजीद रिफाइन कर सकते हैं आपके पास दो बल्ब है और आपको अब कमरे में जो रोशनी की जरूरत है वो सिर्फ एक बल्ब के जरिए अचीव हो रही है इतनी एल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट एक बल्ब पूरी कर रहा है so हाँ, two, resource, तो कर अब आप देखिए अगर नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम बल्ब नंबर वन इज एबल टू परफॉर्म इट फंक्शन तो एटी परसेंट ऑफ द टाइम जो बैकअप बल्ब uh, है वो भी अपना कर देगा और रिलायबिलिटी किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे इसके आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम वुड बी दिलायबिलिटी ऑफ बल्ब या लैम्प नंबर वन प्लस वन माइनस

रूल नंबर थ्री भी देखिए आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट वन एनी ऑफ द इवेंट्स प्लस द प्रोडक्ट वन पॉइंट जीरो जीरो माइनस दैट प्रोबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट एनी ऑफ द रिमेनिंग

मुख्तलिफ रिलायबिलिटी की वैल्यूज आती है बट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको इस तरह से समझ आ जाने चाहिए दैट आप रिलायबिलिटी को क्वांटिफाई कर रहे आपने पहली क्वांटिफिकेशन की थ्रू प्रॉबिलिटी फैक्टर वी टॉक्ट अबर्ट दाइप ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी विच वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनको दाइम रिक्वायर टू अचीव प्रोडक्ट और सर्विस इंटेंडेड यूज एक प्रोडक्ट या सर्विस का इंटेंटेड यूज अगर प्रॉपर तरीके से अचीव हो रहा है या लेंथ ऑफ टाइम जिसके लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस अपनी इफेक्टिव लाइफ अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है देन इट इज कंसिडर टू बी रिलायल सो द टाइम बेस्ड रिलायबिलिटी इनकोपरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर एड अगेन टेक अ लुक एट योर मॉन एट स्क्रीन आपके सामने जो फिगर मौजूद है उसमें आप देख सकते हैं दैट देर इज अ बास सा नाम बात कर्व ही हो सकता है जो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफी है आप देखिए आपके सामने वाई और एक्स एक्सेस के ऊपर क्या चीजें रिप्रेजेंट की जा रही है वाई एक्सेस के ऊपर आपको फेलियर रेट दिया जा रहा है और एक्स एक्सेस के ऊपर आप टाइम फैक्टर को इनकॉपरेट कर रहे हैं अगर आप फिगर को मजीद केयरफुली देखें तो यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट फेसेस। फेस नंबर वन व्हिच इज नियर द ओरिजिन जहां पे एक्स और वाई एक्स मीट करी इनफेंट मोर्टेलिटी फेस फेस नंबर टू जो के दरमियान में है उसको आप रैंडम फेलियर वाली फेस भी कह देते हैं और फेस नंबर थ्री जो कि ओरिजिन से सबसे फासले पर मौजूद है सबसे ज्यादा फासले पर मौजूद है उसको आप फेलियर फेस भी कह सकते हैं अगर आप मजीद माइन्यूटली देखें तो फेस नंबर वन में आप ये देखेंगे कि चंद एक ही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ही होती हैं जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक्टिवेट किया टू फुलफिलडेड पर्पज जब आप इंटेंडेड पर्पज को फुलफिल नहीं कर पाते तो यूल इनको फेलियर अब यहां पर जो बात गौरतलब है वो ये है आप देख सकते हैं कि ओरिजिन के पास के एरिया जो फेस वन को इंडिकेट करो और सर्विस तो हो, 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 हो सकता है वो सर्विस डायमेंशन की वजह से अपने अंदर एक इनहेरेंट डिजाइन फॉल लेके इस फेज में दाखिल हुआ और इसी वजह से वो प्रोडक्ट या सर्विस फेल हो गई फेज टू को अगर आप और से देखिए यहां आप देखेंगे कि अचानक

ऐसा नहीं नजर आएगा जिसको आप कह सकते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को एक्सीड कर गया अब आप देखिए फेस थ्री फेस थ्री में आपको ये नजर आ रहा है कि जो फेलियर्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए हैं जिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ने अपने कंप्लीटेड लाइफ अचीव कर ली है, या ये कह सकते हैं नॉर्मल लाइफ कंप्लीट कर लिए एंड दस एज ए रिजल्ट दे आर नाउ वॉर्न आउट आप ये भी देख सकते हैं के जो ग्राफ है वो स्टीप अप हो रहा है इन फेस नंबर थ्री इंडिकेटिंग दैट देर इज एन इंक्रीज इन फेलियर रेट आपने देखा फेस वन और फेस थ्री में कुछ बातें मुशतर नजर आ रही है दैट इज द इंक्रीज इन फेलियर रेट लेकिन प्रोफाइल अगर आप देखेंगे वो डिफरेंट है साथ में आप ये भी देखेंगे कि एज एन ऑपरेशन मैनेजर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ ऑफ इच फेस एज वेल एज दिसिस ऑफ द डेटा अब हम लोगों का जो इंटेंटेड पर्पज है या जो हम लोगों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑपरेशन मैनेजर है वो ये है कि हम लोग किस तरह से मीन टाइम बिटवीन फेलियर को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए हम दोबारा इन्फेंट मोर्टेलिटी वाली स्टेज की कर्फ को मजीद ब्लो अप करके अपने सामने देखते हैं अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने फेस वन को मैग्निफाई कर दिया गया और यहां जो आपको चीज नजर आ रही है वो ये है कि दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो करेक्टरिस्टिक्स आप स्टेटिस्टिक्स में पढ़ के आए हैं मोरलेस यूल सेम करेक्टरिस्टिक्स हुआ है पहली बात तो यह है कि इक्विपमेंट फेलियर्स या प्रोडक्ट फेलियर्स मे और मे नॉट आकर इन दिस पैटर्न बट इन दिस केस We have an exponential distribution, as depicted in front of you, on the graph. Now, you two phases. Phase one indicates the probability that equipment or service put into service at time t will fail before specified time t. This, you can say that a product may or may not last from zero to t, and टेड बाई द एरिया एंड बिटवीन जीरो एंड टी मजीद गौर से आप देखिए तो आपको ये भी नजर आएगा कि फेज टू में जो आपका एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो पॉइंट टी से लेके राइट साइड पे जब आप मूव करते हैं यू रजिस्टर इन रिलायलिटी अब आप ये रिलायबिलिटी या प्राबिलिटी के जरिए Making use of the exponential distribution, you can calculate the reliability, or you can even call it the calculation of probability. Now, you also remember that you curve of exponential distribution curve available, and exponential curve or exponential distribution is only completely described if and only if you have what they call the distribution mean of this distribution. जो एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी अगर आपके पास मीन की वैल्यू अवेलेबल है ओनली देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट और यही कॉन्सेप्ट को रिलायबिलिटी इंजीनियर्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स का नाम देते हैं अब आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसके जरिए लेंथ ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर सकते हैं एज वेल एज यू कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला विच सेज दैट इफ यू नो द मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड

डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता था अगेन इफ यू रिकॉल योर नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक हम लोगों के पास स्टेटिस्टिक टेबल में एक स्टैंडरडाइज वेरियबल जी अवेलेबल होता है इफ यू मेक यूज ऑफ दिस जी वेरिएबल और जेड वेरिएबल द एरिया एंडर द कर्व कैन बी कैल्कुलेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू अड पॉइंट जेड वेर दैट जेड और जी इज द स्टैंडरडाइज वैल्यू रेशियो ऑफ टी माइनस द मीन टाइम वेयर आउट टाइम डिवाइडेड बाई द स्टैंडर्ड डिशन आउट टाइम अभी आपके सामने जो स्क्रीन में ग्राफ मौजूद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें भी आपको कुछ बातें मजीद गौर से देखनी होंगी सबसे पहली बात तो यही है कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिवियशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पता होने चाहिए अगेन दिस स्टेटिस्टिकल टेबल इज अवेलेबल टू अस एंड वी कैन मेक यूज ऑफ दीज वैल्यूज थ्रू दोबल और उस टेबल के जरिए हम प्रॉबिलिटी ऑफ द सर्विस लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड और ये आपके सामने आपके हैंड आउट्स में फॉर्मूला के तौर पर चीज अवेलेबल भी है अब थोड़ी सी बात एप्लीकेशन की हो जाए आपके सामने पंप बल्ब किसम के एग्जाम्पल दे दिए गए अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना चाहें इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीन लाइफ ऑफ सर्टेन स्टीम व्हिच इज एप्लीकेबल एंड यूज्ड इन पावर जनरेशन तो आपके सामने द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मजीद वाजभ हो जाएगा से फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू मॉडल दिस स्टीम टर्बाइन लाइफ एंड वी आर यूजिंग अर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद life of six years and we are also assuming that it has got a standard deviation of one year then we can determine the following problem statement number one you can calculate the probability that a steam turbine will wear out before seven years of service you can even calculate the probability that a steam turbine will wear out after seven years of service that is we are trying to find its reliability. द थर्ड पार्ट इज दैट दर्विस लाइफ विल प्रोवाइड प्रसेंट अब इसमें आपके सामने जो डेटा अवेलेबल है वो ये है कि वेयर आउट लाइफ का जो मीन आपको मैन्यूफेक्चर ऑफ स्टीम टाइम ने प्रोवाइड किया है वो सिक्स ईयर्स का है वेयर आउट लाइफ की स्टैंडर्ड डिविएशन आपको एक साल की दी गई है और वेयर आउट लाइफ को यह भी बताया गया है इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें आप कौन से स्टेप्स इनको ऑपरेट करेंगे यूल फर्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट जी उसका फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और उस स्क्रीन ही के सामने आपके पास जेड वैल्यू भी दी गई है उस जेड वैल्यू के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी स्टीम टेड बैंड की परफॉर्मेंस कैसी रही स्टेप बी के लिए भी आप रूटीन स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट्स को इनकॉपरेट करेंगे और उसके लिए जरूरी है कि आप रिलायबिलिटी या प्रोबिलिटी को जो आपने पार्ट वन में डिटर्मिन की थी उसमें से वन मिनट से आप सप्रैक्ट कर देंगे So, आपके पास स्टेप नंबर टू का आंसर आ जाएगा और सिमिलरली आपके हैंडआउट में एज वेल एज थ्रू योर लेक्चर नोट्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल है फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ पार्ट थ्री अब आपके सामने एक और डेफिनेशन है जो रिलायबिलिटी ही से अटैच्ड है और मीन टाइम बिटवीन फेलियर को और लाइबिलिटी को किसी तरह से इनकोपरेट करते हुए ज्वाइन कर देती है द फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर ऑपरेशन आप रिलािटी से भी ज्यादा माइन्यूट डेफिनेशन की बात कर यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड व्हेन यू आर क्वांटिफाइंग अवेलेबिलिटी योर फॉर्मूला वुड बी इट इज द रेशियो ऑफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर टू द सम ऑफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर अब हम लोगों ने बात की थी कंकुरेंट इंजीनियरिंग की कंकुरेंट इंजीनियरिंग हैज अलॉट मोर टू डू

तो सबसे बड़ा एडवांटेज कंकरेंट इंजीनियरिंग का यही हो सकता है दैट योर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग पर्सनैल आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन और सर्विस या प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज द सेकंड एडवांटेज इज दैट इट गिव्स द पर्सन द एबिलिटी टू इंप्रूव द रेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग एन अर्ली अपॉर्चुनिटी फॉर आदर डिजाइन और प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टन क्रिटिकल

Of a particular design or a particular service can be cross examined with the participation of all the interfaces. This design of the company, this the marketing of the company, this is the operations of the company. And the idea would be instead of having a critical uh, situation at the end, we will eliminate the potential hazard. These are the advantages. Concurrent engineering. Ki एक डिसएडवांटेज भी है इफ वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बाउंड्रीज़ दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिजाइन एंड ऑपरेशन साइड देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर इज एन ओवरलैप ऑफ एक्टिविटीज पता ये चला कि ऑपरेशन वाले साहब डिजाइन वालों का काम कर रहे हैं या डिजाइन वाले साहब जो है वो ऑपरेशन वालों का काम कर रहे हैं तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दे शुड बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट

लोगों के पास एक तो यही बात है कि इट इज दस्टमर और जैसे कि आप देख सकते हैं फंक्शन विच फाइंडिकेशन इन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी साइड सो फॉर द टाइम बींगी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट लेकिन यह आपके सामने एज एन एग्जाम्पल मौजूद है अब हमारी डिस्कशन event that is known as the operation strategy in our earlier lectures we talked about operation strategy and like what we have been doing in the past lectures operation strategy gets viewed under different lenses most of the time we have either uh, we talked about operation strategy with respect to the idea of competitiveness as well as productivity then we talked about operation strategy with respect to demand forecasting and now we are talking about operation strategy with respect to product and service design in light of the concept of reliability. in order to achieve a reliable product and service design, you should invest more in r and D. R and d stands for research and development. research, of course, talks about the enhancement रिफाइनमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू सर्ट इन मैथमेटिकल मॉडलिंग और साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक बट द डेवेलपमेंट पार्ट कैरीज अ कमर्शियल पार्ट अटैच टू एट सो जब कभी आप रिसर्च करेंगे तो उसमें जो आपको कॉस्ट या एक्सपेंडिचर इनकर होंगे उसको आप प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस से बचाने के लिए

यहां पे बात हो रही है प्रोडक्ट डिजाइन की सो वेन एवर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट और डिजाइनिंग अ न्यू सर्विस यहां पर जो लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव होगा वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इनकॉपरेट करने के लिए होगा एक बात दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज भी कॉम्प्लीमेंटेड एंड सप्लीमेंटेड बाय योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव so your short term objective or long term objective in this situation is that you should be able to design and market a product that is able to fulfill the customer requirements or needs so your third point of reference with respect to reliability in product and service design when you are formulating an operation strategy would be work towards continual and gradual improvement in the product or service design ये उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट द अमेरिकन फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट इज दट वी आर गोइंग टू इनकॉपरेट न्यू डिजाइन एट द सेम टाइम वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मॉडिफिकेशन टू आर एनी आर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस एंड वी आर गोइंग टू इनकॉपोरेट द न्यू डिजाइन विद द बिग बैंग अप्रोच ये बिग बैंग अप्रोच जो है जैपनीज फिलोसफी के बरक्स है और यह, यही चीज आप देख सकते हैं दैट

Point number six to be uh, noted is that you should package your products and services. We talked about this: if you have a oil station or a petrol station, you should be also having access to a tire repair shop or lubricants or any activity you have reliability improve your So, you are actually packaging and bundling your products and services. Number seven which is self-explanatory, use multiple platforms. Aap channels number service your service delivery hai, wo improve ho Number eight is consider tactics for mass customization. This internet-based technology ke achieve and it is a common feature in most of the services as well as product sites. Number nine of course is self-explanatory which states that look for continual improvement and number 10 is shortened time to market. As na ho kya product ya service to banali, Again, it ni there sa market tak pochaya ki aapke jo competitor hain, wo product ya service like a palahi market ma available. Dear students, I thank all of you for your attentive participation. Our lecture today completes our discussion on product and service design as well as reliability. I sincerely hope that the Topics we covered today would be beneficial to you as your future life as an operations manager. Khuda office and see you next time.